नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक ताज़ा अपडेट निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए मिनिमम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ते पर। जी हाँ दोस्तों, हड़ताल के बाद आई अच्छी खबर। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बिजनेस की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है, ईपीएफओ अलर्ट गुड न्यूज टू कम सून फॉर पेंशनर्स ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जल्दी अच्छी खबर आने वाली है। दोस्तों इस न्यूज में आगे बता रखा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने शनिवार को यहाँ रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति महीना करने की मांग की गई। और आगे इसमें बताया गया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात की और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर 25 जनवरी तक मांगें पूरी नहीं की गई तो एक सामूहिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपकी मांगों पर जल्दी ही विचार किया जाएगा। प्रदर्शनकारी 65 वर्षीय शोभा रस ने कहा कि सरकार को मांगों को अनुचित नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे वेतन की कठिन अर्जित आय भविष्य निधि में जाती है, यह है हमारा पैसा है जो हमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी मांग कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के दायरे में है। कोश्यारी कमेटी, जिसने 2013 में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता प्रदान करने का दावा किया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग है कि उनकी मिनिमम पेंशन को 7500 रुपये किया जाए, उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए और परिवारजनों के लिए मेडिकल की सुविधा भी दी जाए। और जो पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं उनको मिनिमम पेंशन के तौर पर 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाए। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।